नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग मैथ की क्लास में पढ़ेंगे परसेंटेज से आगे जो परसेंटेज हम लोग चल रहे थे वहीं पे पढ़ेंगे। एक श्लोक के माध्यम से बोला गया क्या, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमे च ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, क्या है इसका मतलब, विद्या विवादाय धनम मदाय, जो विद्या होती है ठीक है वो मूर्ख लोगों के लिए जो विद्या होती है विवाद के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय, उनका जो धन होता है व्यर्थ के खर्चों के लिए होता है। शक्ति परेशान परपीडनाय, जो उनकी शक्ति होती है दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेजक, मतलब जो दुष्ट लोगों से विपरीत होते हैं यानी सज्जन लोग होते हैं उनके लिए जो विद्या होती है वो विद्या किसके लिए होती है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेजक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है और जो उनका धन होता है वो दान के लिए होता है और जो उनकी शक्ति होती है दूसरों को दूसरों की सहायता करने के लिए होती है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं होती। तो हमको बिल्कुल उपयोगी ढंग से चलना है, इसी श्लोक का अनुपालन करना है और इसी अनुरूप चलना है। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में, ये मोटिवेशन कोटेशन के रूप में आपको श्लोक दिया गया। आइए बढ़ते हैं परसेंटेज की क्लास में। परसेंटेज की क्लास करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, जिन क्वेश्चन के बारे में किसी को डाउट रह गया था, जो सर को मैसेज किया गया था तो अब हमारे पास वो बात आई कि भैया इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत रही उनको, जिनको भी रही हो तो अगर दिक्कत रहा करे तो कमेंट के माध्यम से उसी वीडियो के लास्ट अंत में बता दिया करो तो हम आपको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझना वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन था कि भैया किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 5% की कमी होने पर, 5% की कमी होने पर, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 5% की कमी होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को आपको समझना है। ये क्वेश्चन दिक्कत का था। हमने आपको बताया था कि भैया जब प्रभाव पड़ता है किस पे, क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए हमने एक फार्मूला आपको दिया था। फार्मूला क्या था, +-m, +-m, +-m/100। फिर हमने आपको एक बात बताई थी, बोले क्या, हमने आपको बात बताई थी कि भैया आपको कभी समबाहु त्रिभुज कह दे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कह दे, वर्ग कह दे, गोला कह दे और घन कह दे, गोला कह दे और घन कह दे, तब यम व यन के मान आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये मैंने बोला था तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमने देखा भैया 5% की कमी यानी -5, तो हमने कर दिया -5 और फिर यन की वैल्यू भी वही है तो -5 -+ हो गया 25/100 कर दिया, तो ये आ गया -10 और ये आ गया +0.25, तो आ कितना गया -9.75। तो इसको हमने बोल दिया 9.75% की क्या हो गई, कमी हो गई, किसमें, क्षेत्रफल में। तो ये बात भैया थी, हमने आपको फार्मूले के माध्यम से बताया था। अब अगर आपको इसमें बात कोई दिक्कत कर रही है तो इसको आप बेसिक से देख लीजिएगा, बेसिक से हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से बेसिक देख लो। देखते हैं हम लोग बेसिक इसका। तो ये तो भैया इस फार्मूले के माध्यम से हो गया। अब हम लोग बात करें इसकी बेसिक की। अगर हम बेसिक की बात करें, ठीक है, अगर हम बेसिक की बात करें तो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज होता है, हमारे पास जो होता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट थ्री बाई फोर भुजा स्क्वायर, रूट थ्री बाई फोर भुजा स्क्वायर होता है। बोले बिल्कुल होता है। अब हमने आपको बताया था कि भैया जो आपका कांस्टेंट पार्ट होगा वो तो परिवर्तन करेगा नहीं, उसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं, रूट थ्री बाई फोर कोई परिवर्तन नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं करेगा, ये कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट का मतलब ये नियतांक है, ये नियत है और ये सब जगह रहेगा, भुजा में चाहे जितना परिवर्तन किया जाए। बोले ठीक है, जब अगर ये नियतांक है तो इसको हम इग्नोर मार देंगे, भुजा स्क्वायर को अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा। बोले ठीक है। अब कहता है भुजा में क्या हो रहा है, बोले भुजा में भैया भुजा में 5% की कमी हो रही है। अगर भुजा में 5% की कमी तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी पहले भुजा कितनी थी, पहले भुजा 20 थी और फिर एक की कमी आ गई तो कितना हो गया, बोले 19 हो गया। पहले 20 थी फिर एक की कमी आ गई तो क्या हो गया, 19 हो गया। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 400 था, अब कितना हो गया, 19 का स्क्वायर 361 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बोले बिल्कुल हो गया। पहले था 400 अब हो गया 361, तो बताओ भैया कमी आई कि नहीं आई, बोले बिल्कुल कमी आई। कितने की कमी आई, कितने की कमी आई बताओ भाई, 61970 हो गया, 39 की कमी आ गई। हमारे अनुसार क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर कमी हो रही है, हमको ये देखने को मिला। कितने परसेंट की कमी हो रही, प्रतिशत कमी हमको निकालनी है, हमको ये देखने को मिल गया। पहले 400 था 361 है तो निश्चित तौर पे कमी हो रही, कितने की कमी हो रही, बोले 39 की। कितने में से, बोले 400 में से, गुणा 100 कर दिया, ठीक है, डबल जीरो हटा दिया तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 और फिर कितना बचा, 3 बचा, 4 9 36 3 बचा, फिर उसके बाद 4 7 28 29 30 4 5 20 9.75% की क्या आ गई, कमी आ गई। अगर आपको उससे नहीं समझ आया तो इससे समझ लीजिएगा, ये भैया बेसिक है। अगर आप बेसिक नहीं करना चाहते तो उससे कर लीजिएगा, वो आपका थोड़ा सा मतलब नए लेवल का है, नए स्टाइल में है, बस इतना सा ध्यान रखना था, ऐसे आपका हो जाएगा। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हमको कमेंट के माध्यम से बता देना, हम आपको उसका जवाब दे देंगे कि आपका क्या दिक्कत आ रही है, आपका क्या परेशानी है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है, आप तुरंत बताया करो, आपको जो दिक्कत आया करे आप पूरा वीडियो देखो, जो दिक्कत आए आप लाइव कमेंट पे नहीं, वैसे कमेंट पे पूरा मेंशन करो कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, आप इसको सही से डिस्क्राइब कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आराम से बिल्कुल मस्त होके पढ़िए, अपन रहे मस्ती में आग लगे बस्ती में, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रयास करना है और एक एक चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं जरूरी है कि एक क्वेश्चन है हमें टाइम लग रहा है बहुत तो हम ना पढ़े, नहीं, टाइम लग रहा है लगने दो, अभी आज की आपकी तैयारी जो अच्छी होगी वो आगे आपको काम देगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर हम अगले टाइप पे बढ़ जाएं, अगले टाइप, ठीक है, अगले टाइप पे हम लोग अब बढ़ जाएं। चलो अब हम लोग आज टाइप कर लेते हैं इलेक्शन टाइप, कौन से टाइप, इलेक्शन। इलेक्शन टाइप क्वेश्चन, चुनाव से संबंधित प्रश्न, ये भैया आपका रहेगा टाइप, चुनाव से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन के माध्यम से समझे। क्वेश्चन हमारा एक दिया गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार
जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार 58% मत प्राप्त करके, जीतने वाला उम्मीदवार 58% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 2880 वोटों से हरा देता है, 2880 वोटों से हरा देता है तो कुल मतदाता कितने हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, आप लोग प्रयास करिएगा एक मिनट, ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं तो और आपको अच्छा सा दिखेगा, तब मजा आएगा, ठीक है। आप तब तक इसमें प्रयास करिएगा, कैसे होगा, आपके माइंड पे क्या फोकस कर रहा है उस पे आप विचार करिएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी को ना आए, ठीक है, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा, कुछ लोगों को दिक्कत करेगा, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, हल्के में ना लेना उनको, हल्के में अगर ले लिया तो आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 58% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 2880 वोटों से हरा देता है तो कुल मतदाता कितने। एक बात बताओ, हमने मान लिया कि वहां पे कुल मतदाता 100% है, कितने हैं, 100% कुल मतदाता है, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार या 100% मानो या 100 मानो, एक ही बात है, ठीक है, उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 58% मत प्राप्त करता है, जो जीत रहा है वो 58% मत प्राप्त कर रहा है, तो जो हार रहा है वो कितना पा रहा होगा। भैया अगर 100 रुपए आपके पास थे, 58 रुपए कोई ले गया तो बचा कितना, बोले भैया 42 रुपया बचा, तो यहां पे जो हार रहा है वो कितना परसेंट मत प्राप्त कर रहा है, बोले 42% मत प्राप्त कर रहा है। अब बात आती है, भैया 42% कर रहा है, बोले बिल्कुल कर रहा है। अब 42% कर रहा है, उसने क्या बोला है कि 58% मत प्राप्त करता है जीतने वाला और अपने प्रतिद्वंदी को 2880 वोटों से हरा देता है, तो हमने देखा कि अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो ये कितना ज्यादा पाता है, 2880 वोटों से हरा देता है, इसकी जो दौड़ है कितनी है, 2880 वोटों की है, तो ये 58 पा रहा था, ये 42, तो कितना अंतर आएगा, बोले 16% ये ज्यादा वोट पाएगा, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 2880 है कि नहीं, तो आप 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो गया, कितना बचा, 16 12 28 16 28 128, 180 आ गया, 1% की वैल्यू 180, तो कहता है कुल मतदाता कितने, कुल मतदाता 100%, 1% की वैल्यू 180, तो 100% की वैल्यू 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 18,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वहां पे मतदाता कितने रहे, 18,000 मतदाता रहे, ऐसे आपको ये क्वेश्चन कर लेना होगा, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्लियर ना।
इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे उड़ाएंगे और हम इसके क्वेश्चन बताएंगे। यही आखिरी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो हमने शुरुआत की है, ठीक है, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है। आइए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ना लेना हो तो आपकी मर्जी। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि भैया एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे, एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे। फिर कहता है जिसमें तीसरे पायदान का उम्मीदवार, उम्मीदवार 16% वोट प्राप्त करता है, 16% वोट प्राप्त करता है, 16% वोट प्राप्त करता है, और जीतने वाला 45% वोट प्राप्त करके 45% वोट प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1920 वोटों से हरा देता है, 1920 वोटों से हरा देता है। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो आप भी लिख लिया करो। कुल मतदाता कितने, ठीक है, कुल मतदाता पूछ रहा है। अब ध्यान देना, कुल मतदाता इसने पूछा है, ठीक। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार जिसमें तीसरे पायदान का उम्मीदवार 16% वोट प्राप्त करता है और जीतने वाला 45% वोट प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1920 वोटों से हरा देता है, कुल मतदाता कितने हैं? ध्यान से देखना, हमने मान लिया कि कुल मतदाता यहां पे 100 है या 100%, ठीक है, एक ही बात। अब उसके बाद कहता है कि भैया तीन लोग हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। कहता है जो तीसरे पायदान का उम्मीदवार है वो कितना पा रहा है, 16% वोट पा रहा है, यानी 100 का 16% 16 हो जाएगा, और जीतने वाला कितना पा रहा है, 45% पा रहा है, यानी 45 पा रहा है। एक बात बताओ, बोले क्या, एक बात हमें बताओ कि भैया अगर जीतने वाला 45 पा रहा है और सबसे लास्ट वाला 16 पा रहा है तो ये बीच वाले भाई साहब कितना पा रहे होंगे, तो 45 में 16 जोड़ो तो 45 छह 51 और 51 दस 61 हो जाएगा। 61 तो हमारे पास कवर हो गया, तो 100 में से 61 चला गया तो बचा कितना, 39 भैया ये पा रहे होंगे सेकंड वाले, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। कहता है और जीतने वाला 45% वोट प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1920 वोटों से हरा देता। अब एक बात बताना, अब इस वाले का, ये जो जीत रहा है, इस वाले का जो प्रतिद्वंदी होगा ये दूसरा वाला होगा कि तीसरा वाला होगा, प्रतिद्वंदी वही होगा। अब एक बात बताना, जैसे पहले एक किसी आदमी की पहली रैंक आई, दूसरी की दूसरी आई, तीसरे की तीसरी आई, तो पहले वाले के लिए प्रतिद्वंदी कौन रहा, दूसरा वाला रहा, तीसरा वाला तो दूसरे का प्रतिद्वंदी रहा, लेकिन पहले का प्रतिद्वंदी कौन रहा, दूसरा वाला, तो इनके बीच की चर्चा हो रही। कहता अपने प्रतिद्वंदी को 1920 वोटों से हरा देता है, हमने कहा हमारे अनुसार कितने से हराता है, बोले 39-6 45 छह मतों से हरा देता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1920, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 3 18 1 19 6 2 12 320, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 320 × 100 तो कितना हो जाएगा, 32,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, ये बात आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या हो
तो हमें अवगत कराएं कि हमें ये दिक्कत है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको कर पाने में सक्षम हो पाएंगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भैया एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे, एक चुनाव में तीन उम्मीदवार थे, तीन उम्मीदवार थे, तीन उम्मीदवार थे जिसमें तीसरे पायदान का उम्मीदवार 12% वोट प्राप्त करता है, जिसमें तीसरा वाला 12% वोट प्राप्त करता है, वोट प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, और जीतने वाला उम्मीदवार, और जीतने वाला 14,000 वोट प्राप्त करके, 14,000 वोट प्राप्त करके अपने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, प्रतिद्वंदी को 12% वोटों से हरा देता है, 12% वोटों से हरा देता है, हरा देता है, तो कुल मतदाता कितने, कुल मतदाता कितने। ठीक है, तो हमने माना मतदाता हैं 100, कितने हैं, हमने मान लिया कि मतदाता हैं 100। कहता है एक चुनाव में तीन उम्मीदवार जिसमें तीसरे वाले पायदान का उम्मीदवार 12% वोट प्राप्त करता है और जीतने वाला 14,000 वोट प्राप्त करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 12% वोटों से हरा देता है, कुल मतदाता कितने हैं, ध्यान से समझिएगा भैया। इसमें हम लोगों ने कहा कि भैया हमने मान लिया कि 100 मतदाता टोटल थे, ठीक है, इसमें तीन उम्मीदवार थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा वाला जो हार गया बेचारा वो 12% मत प्राप्त कर रहा था, तो 100 का 12% 12 हो गया, बोले ठीक है, और जीतने वाला कितना पा रहा था, 14,000 से जीत गया, 14,000 मत प्राप्त किया और जीत गया। फिर कहता है 14,000 वोट प्राप्त करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 12% वोटों से हरा देता है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 12% का अंतर है, अगर ये यक्ष वोट पा रहा होगा तो ये कितना पा रहा होगा, यक्ष प्लस 12%, कितना पा रहा होगा, यक्ष प्लस 12% पा रहा होगा कि नहीं पा रहा होगा। अब भैया इसको 100% मान लो, वो ज्यादा सही, ये 12% हो गया, ये यक्ष प्लस 12%, ध्यान देना। वो कहता है कि भैया जीतने वाला 14,000 पा रहा है वो अलग चीज है, लेकिन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 12% वोटों से हरा देता है, तो इसका मतलब ये 12% कम पाया होगा, ये 12% ज्यादा पाया होगा, तो हमने कहा ये यक्ष पाया तो ये कितना पाया, बोले यक्ष प्लस 12% पाया, हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ ये तीनों मिलाकर के कितना पाएंगे, 100% पाएंगे, तीनों को जोड़ दो, हमने जब तीनों को जोड़ा तो हो गया 2x+24% बराबर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 76% हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 38% हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 38% आ गई, तो भैया ये हो गया 38%, तो ये कितना हो जाएगा, 50%, कितना हो जाएगा, 50%, यानी जीतने वाला हमारे अनुसार वोट कितना पा रहा है, बोले 50%, तो हमारे अनुसार 50% और क्वेश्चन के अनुसार कितना, 14,000, ठीक है, तो 50% की वैल्यू 14,000, हमको 100% निकालना है, दोनों तरफ दो का गुणा करा दो, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,000 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। था प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है।
कहता है भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। आ गया मजा कि नहीं आया? हमें तो आ गया, आपको आया हो या ना आया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अब हम इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप जब भी एग्जाम देना तो आपको मजा आ जाए, फिर आपको ये लगे कि नहीं नहीं मैथ हमने पढ़ी तो उसका आउटपुट हमें मिला, ठीक है। और आउटपुट ना मिले तो पढ़ने से कोई लाभ। कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें 20% मत अवैध हो गए, अवैध हो गए यानी इनवैलिड हो गए, ठीक है। फिर कहता है और जीतने वाला 55% मत प्राप्त करके 55% मत प्राप्त करके 55% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1944 वोटों से हरा देता है, 1944 वोटों से हरा देता है तो कुल मतदाता ये जानना चाहता है। ध्यान देना, हमने मान लिया कि कुल मतदाता 100 रहे होंगे, कितने 100 रहे होंगे। अगर कुल मतदाता हमारे पास 100 रहे, ठीक है, कुल मतदाता हमने माना 100, जब हमने ये माना, ठीक है, फिर कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे वो अलग की बात, जिसमें 20% मत अवैध हो गए, कुल मतदाता 100 थे जिसमें 20% मत अवैध हो गए यानी 20 खत्म हो गए, 20 बेकार माने गए, तो बचे कितने 80, ये वैध मत है, कितने वैध मत, ठीक है। फिर कहता है अवैध हो गए और जीतने वाला 55% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1944 वोटों से हरा देता है, 1944 वोटों से 55% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1944 वोटों से हरा देता है। अब भैया पड़े कितने मत, 80 पड़े, कितने पड़े 80 पड़े। कहता है 80 में से 55% मत प्राप्त करके, तो 80 का 55% निकालो, 80 का 55% निकालो, तो भैया 80 का हम 55% निकालेंगे तो 55 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 से 13, तो 11 चौको 44, यानी 80 का 55% कितना हो गया, 44 हो गया। तो अब जितना बचा 80 में से 44 ये हो गया, तो अब बचा कितना, बोले 36। तो ये अगर जीतने वाले को मिल रहे हैं तो ये हारने वाले को मिल रहा है, ठीक है। कहता है जीतने वाला 55% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1944 वोटों से हरा देता है, हमारे अनुसार क्या केस हुआ, ये 36 पा रहा है ये 44, तो कितना अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, हमारे अनुसार 8 का अंतर, क्वेश्चन के अनुसार 1944 का अंतर, तो 1 की वैल्यू 8 × 16 हो गई, 3 × 19, 8 × 4 = 32 हो गई, 33 × 34, 8 × 3 = 24, ठीक है। 1 की वैल्यू 243, तो 100 की वैल्यू 243 00, 24,300 आपका राइट आंसर होगा, 24,300 मत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, यहां तक आपको बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है भैया। अगर आ रही हो तो लाइक का बटन दबाना कभी ना भूलना, शेयर करना कभी ना भूलना, ठीक है।
क्योंकि इनसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। टीचर को जब मोटिवेशन मिलेगा, टीचर को जब अच्छा लगेगा, तो मैटर भी आपको बहुत अच्छा देगा, और जब मैटर अच्छा देगा तो आपका कल्याण भी बहुत अच्छे से होगा। इस वजह से इन सब बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है। आप जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ा देंगे, उतनी जल्दी हम लोग आपको जो कंटेंट दे पा रहे हैं उससे बेहतर कंटेंट दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो अगर हम सक्षम हो पाएंगे तभी आपका अच्छे से कल्याण होगा। इस वजह से आप शेयर जरूर करते रहिएगा और इस परिवार को नई दिशा दीजिएगा, नए लोगों से जोड़िएगा, और लोग जुड़ेंगे तो और माहौल अच्छा बनेगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो हम लोग डेली लाइव क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।